हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वी एनर्जेटिक। सो टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट। द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस ऑलवेज रिमेंस रेस्ट। जैसे हमने बताया, कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड और गैसेस का जो फ्लो होता है वो लेयर के फॉर्म होता है। मान लीजिए कहीं पर कोई लिक्विड मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो लेयर के फॉर्म में फ्लो होगा। और जो लेयर सॉलिड के कांटेक्ट में होगी, यानी बिल्कुल सॉलिड के पैरेलल चल रही है, सॉलिड से टच होके चल रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत माइनर होगी। अप्रोक्सीमेटली उसे हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी ये एक सरफेस है और इस पर जो है कई लेयर के फॉर्म में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, यानी लिक्विड हो और गैसेस हो, उसका फ्लो ऑलवेज लेयर के फॉर्म में होता है। तो यहां पर जो लेयर सबसे नीचे है, यानी सरफेस के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब उससे ऊपर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और सबसे जो हायर वेलोसिटी है वो ऊपर वाली लेयर की होगी, जिसे हम फ्री लेयर बोलेंगे, और उसकी वेलोसिटी कंपैरिजन अदर लेयर के मैक्सिमम होगी। जैसा यहां लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ ए लेयर इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इंक्रीजेस एज सोन इन फिगर। यानी सॉलिड जो सरफेस है, तो उससे जैसे जैसे डिस्टेंस लेयर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, वैसे वैसे उस लेयर की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। द चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर ए यूनिट इन द डिस्टेंस बिटवीन दीज लेयर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड। जैसे सपोज कीजिए, हम दूसरा यहां पर डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी कोई लेयर है और इस लेयर की सपोज वेलोसिटी जो है वो वी एक्स है। एक्स मीन्स है एक्स कंपोनेंट में ये जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। अब इससे अगर हम ऊपर जाएंगे, मान लीजिए कि हम जो है डी जेड ऊंचाई पर जा रहे हैं, यानी जो वर्टिकल जो हमारी हाइट है वो डी जेड है, और यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो बी एक्स प्लस डी बी एक्स। यानी वी एक्स तो ऑलरेडी वेलोसिटी है, लेकिन जब हाइट इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डी बी एक्स इंक्रीज हो जाती है, और जो लेयर सबसे नीचे बॉटम पर होगी उसकी वेलोसिटी हमने जैसे बताया कि हम अप्रोक्सीमेटली उसे जीरो कंसीडर कर सकते हैं। और यहां से ये जो हाइट है वो हमारी जेड है, ठीक है ना, ये जेड जेड इस ये हाइट हमारी जेड है यहां तक, और ये जो हाइट है वो है डी जेड, तो टोटल हाइट हो गई जेड प्लस डी जेड। तो दो लेयर के मिडिल में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है डी बी एक्स डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, तो द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी इन टू लेयर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी बी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड। इट्स यूनिट इज, अगर हम इसकी यूनिट देखें, इट्स यूनिट इज, तो यहां पर वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है उसकी यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल,
तो इसकी यूनिट हो जाती है पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। और इसी तरह अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो मास जीरो, लेंथ जीरो, टी पावर माइनस वन। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। न्यूटन ने जो हमारा कोई भी लिक्विड जो है किसी सरफेस पर मूव करता है, फ्लो होता है लिक्विड और गैसेस, तो उसमें जो विस्कस फोर्स वर्क करता है उस विस्कस फोर्स से रिलेटेड न्यूटन्स ने दो पॉइंट दिए जिनको कंबाइंड करने पर एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, नंबर वन, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो जो विस्कस फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन फर्स्ट। यानी जो लिक्विड और गैसेस का फ्लो हो रहा है वो जितनी बड़ी एरिया में होगा विस्कस फोर्स भी कंपैरिजन उतना ही ग्रेटर होगा। नंबर टू, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। यानी जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डी बी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड, इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइंड किया फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो जब दोनों इक्वेशन को कंबाइंड किया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए डी वी एक्स, ए इंटू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड, ठीक है ना। अब हम अगर ये जो हमारा इक्वेशन आया है जब हम इसे यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट माइनस ईटा का मल्टीपल होगा ए डी बी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला न्यूटन्स ने दिया था, सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। हेयर ईटा इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड विस्कोसिटी कोफिशिएंट। हमने क्रिटिकल जो वेलोसिटी पढ़ी थी वहां पर भी क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उसमें ईटा आया था। हियर ईटा इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड विस्कोसिटी कोफिशिएंट। द नेगेटिव साइन, यहां एक नेगेटिव साइन है, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि विस्कस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जो हमारा लिक्विड गैसेस जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। जैसा हमने बताया कि विस्कस फोर्स एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शन वर्ड हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं जबकि फ्लूइड में वही फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड डिवाइडेड बाई वन क्रॉस मल्टीपल। तो हमारा माइनस ईटा ए डी वी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी जेड। सो ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ डी जेड डिवाइडेड बाई ए डी बी एक्स, और ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई ए डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड। इफ एरिया इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड इज इक्वल टू वन और यूनिट है पर सेकेंड,
सो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ. हेंस द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू दैट एक्सटर्नल फोर्स. यानी विस्कोसिटी ऑफ कोफिशियंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट बिटवीन द टू लेयर्स. यानी दो लेयर्स के मिडिल में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी वो अगर यूनिट हो, यानी वन पर सेकेंड हो ऑफ ए यूनिट सरफेस एरिया इन दैट लिक्विड, और एरिया भी यूनिट हो, देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ. यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी कोफिशिएंट की जो यूनिट है इन एसआई सिस्टम की, अगर हम बात करें एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में ये यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर, और न्यूटन को अगर हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड. और अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वो पॉइज होगी, और पॉइज के साथ साथ हम यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं. रिलेशन वन किलोग्राम पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू टेन पॉइस. पॉइस साइंटिस्ट नेम है, और अगर वन पॉइस इज इक्वल टू तो वन अपॉन टेन किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड. और डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज एम वन एल माइनस वन और टी माइनस वन. वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन. टू मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 15.5 पॉइस इज कैप ऑन द मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहां पर सारी वैल्यू सीजीएस में गिवन है तो हम इसकी कैलकुलेशन सीजीएस में कर लेते हैं. तो जो वेलोसिटी है डीवीएक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दूसरी ये जो डीजेड है डीजेड इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर. अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर. अब यहां विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, ईटा की वैल्यू गिवन है 15.5 पॉइस, और पॉइस जो है वो सीजीएस सिस्टम की यूनिट है विस्कोसिटी कोफिशिएंट की. एरिया की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये सारी वैल्यू हमारी जो है वो कन्वर्ट है सीजीएस सिस्टम में. अब यहां पर कैलकुलेशन करनी है, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है विस्कस फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड. अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस, तो डायरेक्शन को शो करता है, हमें यहां मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो माइनस साइन नेगलेक्ट कर देते हैं. ईटा की वैल्यू है 15.5, एरिया हमारी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहां पर 10 यूज कर लेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. और dvx की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई dz की वैल्यू हो गई हमारी 0.3, ठीक है ना. अब क्योंकि यहां पर जो dz है वो 2 मिलीमीटर यहां पर 2 मिलीमीटर गिवन है तो 0.2. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो f इज इक्वल टू 10 से यहां मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट अट जाएगा 15
5 × 3 और डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहां पर 3 से भी इसको मल्टीपल करते हैं, 3 × 5 = 15 और 1 × 16 = 3 और 1 = 4 और डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट हटाएंगे तो f इज इक्वल टू 4650 डिवाइडेड बाई 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 15। तो f इज इक्वल टू 2325 और ये हमारी जो यूनिट आई है वो डाइन में आई, ठीक है ना, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है। और अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.02325 × 10⁻¹⁵। इसे छोटा किया तो इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा, +5 डाइन। अगर हम यहां पर +5 ये हटा देते हैं तो f इज इक्वल टू 0.02325, अब ये न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन। तो ये हमारा विस्कस फोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉल ए स्पेयर इन ए लिक्विड। एक स्पेयर है जो किसी भी लिक्विड में और किसी भी मीडियम में गिर रहा है, फॉल हो रहा है। ए स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेयर रो इज फॉलिंग इन ए होमोजेनियस मीडियम। एक स्पेयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर और उस स्पेयर के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो है, वो स्पेयर फॉल हो रहा है इन होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम मींस कंप्लीट मीडियम की डेंसिटी सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, डेंसिटी सिग्मा एंड इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ द मीडियम, एक्सटेंशन ऑफ द मीडियम। जो हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और इनफाइनाइट एक्सटेंशन है। द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन द स्पेयर, उस समय उस स्पेयर पर फॉलोइंग फोर्सेज वर्क करेंगे। तो पहला फोर्स जो वर्क करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा उस पर एक बॉयंसी फोर्स वर्क करेगा और तीसरा फोर्स है वो विस्कस फोर्स है, जो हमेशा मोशन के अपोजिशन में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे वेट कहते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बॉयंसी फोर्स ऑलवेज अपवर्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल टू mg, डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब मास कैलकुलेट करना है उस स्पेयर का, तो मास के लिए हमें डेंसिटी मालूम है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 π स्मॉल आर क्यूब, सो मास ऑफ द स्पेयर m इज इक्वल टू 4/3 π स्मॉल आर क्यूब इनटू डेंसिटी रो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल टू 4/3 π r³ रो इनटू g और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। अब दूसरा फोर्स है बॉयंसी फोर्स, नंबर 2 बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स जो होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। बॉयंसी फोर्स, अब बॉयंसी फोर्स बी इज इक्वल टू, जब हमारा वो स्पेयर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जब स्पेयर अपनी प्लेस को छोड़ेगा तो उतने प्लेस की जो वॉल्यूम होगी यानी मीडियम का जो वॉल्यूम होगा वो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पर बॉयंसी फोर्स बी इज इक्वल टू 4/3 π r³ वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी यहां पर मीडियम की होगी सिग्मा इनटू जी और डायरेक्शन अपवर्ड। अब तीसरा जो फोर्स है वो है विस्कस फोर्स,
विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू 6 pi ईटा आर बी टी अकॉर्डिंग टू स्टॉक साइंटिस्ट, और विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट होगा। अब जो हमारी बॉल है, जो स्पेयर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, सो विस्कस फोर्स अपवर्ड होगा। यहां पर जो वी टी है इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ये जो थ्री फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉयंसी फोर्स और विस्कस फोर्स, तो इनमें से जो हमारा विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो जब भी वो स्पेयर या कोई अदर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी सो विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा जो विस्कस फोर्स है वो उस पर अप्लाई होने वाले ग्रेविटेशनल और बॉयंसी फोर्स को बैलेंस कर देगा, उस समय उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं। जैसे हमारी बारिश की जो बूंदें हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आती हैं, पैराशूट लेकर जो आर्मी मेंबर नीचे कूदता है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो टोटल फोर्स है वो इक्वल होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन W इज इक्वल टू अपवर्ड बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। तो W बॉयंसी फोर्स, LHS में B इज इक्वल टू F। अब W की वैल्यू हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो W इज इक्वल टू 4/3 pi r³ρg माइनस बॉयंसी फोर्स जो है वो V इज इक्वल टू 4/3 pi r³ σg इज इक्वल टू 6 pi eta r·vt। अब यहां पर जो 6 pi eta r·vt है वो हमारा है विस्कस फोर्स, और इधर ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये बॉयंसी फोर्स। अब इसमें 4/3 pi r³ और g कॉमन, तो रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 pi eta r·vt। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। पाई से पाई कैंसिल और एक सिंगल यहां आर कैंसिल। अब यहां पर 2 r² g रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 3, इधर शिफ्ट करते हैं 9 eta r·vt। अब अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं उस स्पेयर की, तो r² इज इक्वल टू 9 eta v·t डिवाइडेड बाई 2g ρ − σ। रेडियस तो r इज इक्वल टू √9 eta v·t डिवाइडेड बाई 2g ρ − σ। ये तो हमारी स्पेयर की रेडियस है। अब अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो vt इज इक्वल टू 2 r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 9 eta। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, और रेडियस की यूनिट इन मीटर।